मॉर्निंग क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 जिसमें हमने एलवाई वर्ड्स देखे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 ग्रामर का आपको नहीं करना है। सो कम ऑन द पेज नंबर 49 और हम आज चैप्टर नंबर 16 जॉइनिंग वर्ड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, ओके, ठीक है। अब आज हम दो ऐसे वर्ड देखेंगे जो दो वर्ड्स ऐसे जो ज्वाइन कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को, एंड और बट, ठीक है। देखो, एंड कब यूज़ होगा? जब दो चीज़ों को ऐड करेंगे। और बट कब यूज़ करते हैं हम? जब डिफरेंट आइडियाज़ रहते हैं, जब सेम आइडिया होगा सेंटेंस में तो हम एंड वर्ड यूज़ करेंगे, और जब डिफरेंट आइडियाज़ होंगे तब हम बट वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ब्रिंग योर नोटबुक पेंसिल्स। अब देखो, नोटबुक और पेंसिल्स सेम काइंड के हैं, एक ही आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, नोटबुक्स एंड पेंसिल, ठीक है। माय फ्रेंड्स गो कैंपिंग डैश स्विमिंग एवरी डे। कैंपिंग के लिए भी जाते हैं, गए हैं, और स्विमिंग के लिए भी एवरी ईयर, ठीक है। तो एंड, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे आइडिया वाले सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड, तो वो क्या कर रहा है, उन दोनों को ऐड करने का काम कर रहा है। पर हम बट कब यूज़ करेंगे? जब हम दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि कृति कैन स्पीक ओनली बंगाली, कृति सिर्फ बंगाली बोल सकती है। डैश हर सिस्टर कैन स्पीक बंगाली एंड मराठी, पर उसकी जो सिस्टर है वो बंगाली और मराठी दोनों बोल सकती है। तो दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, पहले कृति के बारे में बात हो रही है और दूसरा उसकी बहन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो हमने बट वर्ड यूज़ करा। अब नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू ईट ढोसा डैश सम वड़ास। तो ढोसा एंड सम वड़ास, ठीक है। राजवीर ड्रॉप्ड द प्लेट डैश बट इट डिड नॉट ब्रेक। राजवीर ने क्या करा, प्लेट छोड़ दी और प्लेट नहीं टूटी। तो देखो, यहाँ पर दो अलग चीज़ें, राजवीर ने प्लेट छोड़ दी, अब क्या बोल रहे हैं, पर प्लेट नहीं टूटी। तो पर के लिए क्या यूज़ हो रहा है, बट इट डिड नॉट ब्रेक। तो हमको दो वर्ड ध्यान रखने, एंड जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है, और बट जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है, आई वॉन्टेड टू क्लीन माई रूम डैश आई वॉज नॉट वेल। मैं अपना रूम क्लीन करना चाहता था पर मैं ठीक नहीं हूँ। तो पर वर्ड जब यूज़ हो रहा है मतलब बट आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। तो बट पीटर डैश चारू लाइक टू डांस। तो अब दो लोगों को डांस पसंद है, तो दोनों सेम काइंड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पीटर एंड चारू लाइक टू डांस। फरीद ड्रॉ अ पिक्चर डैश ही डिड नॉट कलर इट। फरीद ने पिक्चर ड्रॉ करी, उसमें कलर नहीं किया, तो पर उसमें कलर फिल नहीं किया, तो बट वर्ड यूज़ हुआ। मदर गेव मी अ बुक, मदर ने मुझे एक बुक दी। अ ड्रेस ऑन माई बर्थडे, एक बुक दी और क्या दी, एक ड्रेस दी बर्थडे पे, तो अ बुक एंड अ ड्रेस। शी वेटेड फॉर एंडी डैश ही डिड नॉट कम। वो वेट कर रही थी किसका, एंडी का, पर एंडी नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट, पर वो नहीं आया। पर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, बट, और हम दो चीज़ों को एक साथ बताना चाह रहे हैं तो हम एंड वर्ड यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जॉइन द सेंटेंसेस विथ एंड एंड बट। हमको सेंटेंस को ज्वाइन करना है एंड और बट से। तो देखो, इट इज़ एन ओल्ड कार, इट इज़ वेरी गुड। ये एक ओल्ड कार है पर ये बहुत अच्छी है अभी भी, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन ओल्ड कार बट इट इज़ वेरी गुड। आई सो अ टाइगर, आई सो अ लियोपार्ड। अब देखो, आई सो हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आई सो अ टाइगर एंड अ लियोपार्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नीना वेंट होम शी स्लेप्ट। नीना घर गई और सो गई, और के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, एंड। नीना वेंट होम एंड शी स्लेप्ट, तो शी नहीं आएगा, नीना वेंट होम एंड स्लेप्ट, घर गई और सो गई। इन समर द डेज आर लॉन्ग द नाइट्स आर शॉर्ट। समर में क्या होता है, डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट्स शॉर्ट होती है, तो हम बोलेंगे इन समर द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट। दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा था इसलिए हमने एंड वर्ड यूज़ करा।
गीनास पेंसिल इज लॉन्ग, अनूज पेंसिल इज शॉर्ट। तो अब यहाँ दोनों अलग अलग के बारे में बात करें, दो अलग अलग पर्सन की पेंसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, गीनास पेंसिल इज लॉन्ग बट अनूज पेंसिल इज शॉर्ट। आई लव एप्पल्स, आई लव ग्रेप्स, तो हम क्या लिखेंगे, आई लव एप्पल एंड ग्रेप्स। ओके, तो हमने क्या चीज़ सीखी स्टूडेंट्स आज, हमने जॉइनिंग वर्ड सीखे, जॉइनिंग वर्ड जो जॉइन कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को, ठीक है, एंड और बट सेम काइंड के जो सेंटेंस है उनको अगर जॉइन करना है तो हम एंड यूज़ करते हैं, पर अगर हमको अदर अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंस है उनको ऐड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बट वर्ड यूज़ करेंगे। बट जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है और एंड किसी दो चीज़ों को ऐड करने वाली बात है, जब हम हिंदी में और वर्ड यूज़ करते हैं तो हम एंड लगाएंगे, और जब हम हिंदी में पर वर्ड यूज़ करते हैं तब हम बट वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में। ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 जॉइनिंग वर्ड इज़ ओवर। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं तो आप उससे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।